चैप्टर जो है अपना मैग्नेटिज्म है। मैग्नेटिज्म में जो फर्स्ट स्टार्ट हमने किया था उधर था मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म। व्हाट इज मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म। सो व्हाट इज मैग्नेट? मैग्नेट इज अ सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट व्हिच अट्रैक्ट पीसेस ऑफ मटेरियल लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट एंड एटसेट्रा। ओके, यानी पीसेस ऑफ आयरन, निकल, कोबाल्ट जो मटेरियल्स हैं इनको जो अट्रैक्ट करता है वो सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेट। ठीक है, एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग पीसेस ऑफ आयरन, निकल, कोबाल्ट एटसेट्रा इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। तो जो भी मटेरियल है जिनके अंदर ये प्रॉपर्टी आ जाती है कि वो आयरन, निकल, कोबाल्ट के पीसेस को अट्रैक्ट कर सके, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नेट बोलते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है इसको बोला जाता है मैग्नेटिज्म। ठीक है, नेक्स्ट हमने इसके बाद डिफाइन किया था मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज अ मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि जो भी मैग्नेट है या जो भी मैग्नेटिक सब्सटेंस है उसके अराउंड एक ऐसा स्पेस या रीजन होता है जहां तक कि उसका इन्फ्लुएंस रहता है। इन्फ्लुएंस मतलब ये कहें कि वहां तक, जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट किसी के पीसेस आप लाते हो तो उसको वो क्या कर सकता है? अट्रैक्ट कर सकता है ना। ऐसा नहीं है कि किसी भी डिस्टेंस तक वो जो उसकी अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी वो एग्जिस्ट करेगी। कुछ लिमिटेड डिस्टेंस होगी, कोई रीजन होगा, वहीं वहां तक ही उसकी जो इन्फ्लुएंस रहेगा या वो अट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्ट करेगी। तो वो जो रीजन होता है, वो जो स्पेस होता है अराउंड द मैग्नेट या अराउंड द मैग्नेटिक सब्सटेंस, इट इज नॉट नेसेसरी अराउंड द मैग्नेटिक, वी कैन से इट अराउंड द मैग्नेटिक सब्सटेंस, तो उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसको बी से डिनोट किया जाता है, वो एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। आगे जाके और स्टडी करेंगे हम इसको। इसके बाद हमने डिफाइन करा था व्हाट इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड व्हाट इज द नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी, तो उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो अगर कोई पर्टिकुलर रीजन है जहाँ पर कि मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या रहे? कॉन्स्टेंट रहे, तो उस रीजन में हम कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है? कॉन्स्टेंट है या यूनिफॉर्म है, या उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन कैसे? तो रिप्रेजेंटेशन में देखो, फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन देखो, फर्स्ट डायग्राम इस तरह से इक्वल स्पेसेस पर ये लाइन्स है और ये लाइन्स क्या शो कर रही है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शो कर रही है लाइन्स और ये इक्वल डिस्टेंसेस पर है, तो इट मीन्स ये जो रीजन है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्लेन ऑफ पेपर में इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स। तो इनवर्ड्स जो डॉटेड बने हुए हैं रेड कलर का, जो आप देख लो यहाँ पर डॉटेड्स बने हुए, ये क्या शो कर रहे हैं? आउटवर्ड्स डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर आउटवर्ड डायरेक्शन। डॉट क्यों बनाया? तो ये एरो आप देखें, अगर ये एरो आपकी तरफ आएगा, ठीक है, आउटवर्ड्स आएगा तो आपको डॉट नजर आएगा आगे वाला, तो इसलिए डॉटेड्स बने हुए हैं। अगर ये एरो जो है इनवर्ड्स से आएगा तो इसका टेल नजर आएगा, ये टेल, और टेल क्या है? क्रॉस है, तो आपको क्रॉस नजर आएगा। तो ये प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर क्या है? इनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट, ये सब मैंने एक्स्ट्रा आपको एक्सप्लेन किया था, बाकी जो डेफिनेशन हमारी चल रही है उसमें क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जस्ट उसका उल्टा है, उल्टा इन द सेंस क्योंकि वो जो वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है पर्टिकुलर रीजन में तो भी नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज होती है पर्टिकुलर रीजन में तो भी नॉन यूनिफॉर्म है, या फिर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चेंज हो जाए मैग्नेटिक फील्ड की, तो भी हम क्या कहेंगे कि उस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब इसमें हम आगे चलते हैं, बाकी ये मैंने आपको एक्स्ट्रा एक्सप्लेन किया था, है ना। आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट जो है डेफिनेशन देते हैं यहाँ पर, और जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है मैग्नेटिक Okay, so now next definition is about magnetic pole. What is a magnetic pole? These are the regions of apparently concentrated magnetic strength in a magnet where the magnetic attraction is maximum. So what we know about that in this bar magnet, ये bar magnet is, bar magnet में जो maximum attraction होगा, क्योंकि अभी तक अपन ने जो magnet define करी वो यही define करी कि भाई parties of magnet और of magnetic material which attract the pieces of iron, nickel and cobalt, यानी उसमें attractive property होती है, iron, nickel, cobalt जो materials होते हैं उनको अपनी तरफ क्या करता है? वो attract करता है। तो ये जो maximum attraction force होगा, maximum attraction force कहाँ होता है? उसके poles पे होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि poles पर जो magnetic strength है, ध्यान से समझना, पोल्स पर जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो क्या होती है? मैक्सिमम होती है। ठीक है, पोल पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होती है वो मैक्सिमम होती है, और उसे ही हम बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं उसको? हम पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो पोल स्ट्रेंथ जैसे हम यहाँ पर कहें इस एंड के लिए, यानी ये जो पोल है साउथ पोल, इसके लिए पोल स्ट्रेंथ में लिख देता हूँ क्यू एम, और ये जो नॉर्थ पोल है इसके भी पोल स्ट्रेंथ लिख देता हूँ क्यू एम, क्योंकि एक बार मैग्नेट है। ठीक है,
बार में क्यों ये इसका नॉर्थ पोल हो गया और ये क्या हो गया इसका साउथ पोल हो गया। और अभी हमने कहा कि जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम होती है पोल्स पर, तो पोल्स पर जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम है उसको उस मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ बोला जाता है, पोल स्ट्रेंथ कहा जाता है, और पोल स्ट्रेंथ को डिनोट किया जाता है क्यूएम से। जैसे आपने चार्ज डिफाइन किए हुए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ऐसे यहाँ पर हम क्या करते थे पोल स्ट्रेंथ को डिफाइन करते थे। समझ में आ गई बात? आगे जब अपन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे बार मैग्नेट के लिए तब मैं आपको और ज्यादा, वैसे मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था, बाकी वहां फिर मैं रिपीट करके फिर एक्सप्लेन करके बताऊंगा क्यों पोल स्ट्रेंथ जो है वो मैक्सिमम होती है पोल्स पर, है ना। आप जो कह सकते हैं कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है वो मैक्सिमम तो होती है पोल्स पर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमने डिफाइन करा है मैग्नेटिक एक्सिस। तो मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है? इट इज अ लाइन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक पोल्स। ये जो मैग्नेटिक पोल्स दिख रहे हैं आपको, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इनको जो लाइन कनेक्ट कर रही है उसको अपन बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। अच्छा, अभी आपसे बार मैग्नेट में वैसे हम स्टडी करेंगे, फिर भी क्योंकि यहाँ पर आपने नॉर्थ साउथ लिखा है तो मैं आपको बता दूं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैसे डिसाइड किए जाते हैं। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल कैसे डिसाइड करते हैं कि किसी भी बार में टेस्ट चार्ज मैग्नेटिक, नहीं मैं उतर रहा हूँ, किसी भी मैग्नेट को अगर फ्रीली सस्पेंडेड कर दोगे आप, लटका दोगे किसी धागे से बांध के, तो वो बार मैग्नेट का जो एंड ज्योग्राफिक नॉर्थ जो होगा अर्थ का उसके डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है, वो साइड जो होती है मैग्नेट की वो जो एंड होता है मैग्नेट का उसको नॉर्थ पोल कहते हैं, और जो एंड जो है मैग्नेट का साउथ ज्योग्राफिकल साउथ होता है अर्थ का उस तरफ चला जाता है उस वाले एंड को बार मैग्नेट का अपन साउथ पोल कहते हैं। तो इस तरह से बार मैग्नेट के जो दो पोल होते हैं होते हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। फिर हमने ये आपको बताया कि पोल स्ट्रेंथ होता क्या है, कि मैग्नेट की जो मैक्सिमम अट्रैक्शन प्रॉपर्टी है या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम होती है पोल्स पर, तो उसको अपन बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ, और उसको क्यूएम से डिनोट कर दिया जाता है, ठीक है। मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है? मैग्नेटिक एक्सिस होता है वो लाइन जो कि पोल्स को कनेक्ट कर रही है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं येलो लाइन से मैंने बताया हुआ है, एक ओरिजोनटल लाइन बनी है क्योंकि अपनी बार मैग्नेट भी ओरिजोनटल लगी हुई है, तो ओरिजोनटल हो गया, वर्टिकल बार मैग्नेट रखी होती तो ये लाइन वर्टिकल बन जाती। तो हमें तो ये ध्यान रखना है कि पोल्स को जो लाइन कनेक्ट कर रही है वो कहलाती है हमारी मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर और मैग्नेट के सेंटर से जो लाइन पास होती है, ठीक है, ये देखो आप मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर और मैग्नेट के सेंटर से जो लाइन पास होती है उसको बोला जाता है मैग्नेटिक इक्वेटर, ठीक है। ब्लू लाइन परपेंडिकुलर आपको दिख रही होगी, वर्टिकल एक लाइन दिख रही होगी, उसको क्या बोलेंगे अपन? मैग्नेटिक इक्वेटर कहते हैं। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ रही है, वो है मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ क्या होती है? मैग्नेटिक लेंथ होती है इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। मैग्नेट के जो पोल्स हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। तो पोल जो होते हैं वो मैग्नेट के बिल्कुल एंड पर नहीं होते, एंड से थोड़ी सी अंदर होते हैं, ठीक है, बिल्कुल एंड पे नहीं होते, एंड से थोड़े अंदर रहते हैं। तो जो मैग्नेट है उसके जो एंड से उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोला जाता है ज्योमेट्रिकल लेंथ। क्या कहलाती है? उसकी ज्योमेट्रिकल लेंथ कहलाती है, ठीक है। एक रेशियो आपको ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिकल लेंथ जो होती है उसका जो रेशियो है वो कितना होता है? 0.84, ठीक है। सो दीज आर द सम ऑफ द इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस जो आपको आनी चाहिए। हमने ये स्टार्ट करी थी कहाँ से? मैग्नेट या मैग्नेटिज्म क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यहाँ तक हम आ गए। नाउ द टॉपिक्स इज कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। जैसे आपने वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था कि कूलॉम्स लॉ वहां पर भी था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, आपके वहां पे चार्जेस थे वो एक दूसरे से किसी डिस्टेंस पर थे, ठीक है, और फिर वहां पर आपने लॉ लगाया था कि डेट द फोर्स एक्ट द अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। वो वहां पर ये था, या मैग्नेटिक में क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स में क्या होगा, कूलॉम्स लॉ यहाँ पर कैसे लगेगा? तो कूलॉम्स लॉ यहाँ पर जो लगेगा, वहां पर आपने चार्जेस लिए थे, यहाँ पर आप क्या लोगे? पोल स्ट्रेंथ लोगे। पोल वही लोगे जहाँ जिनके बीच का आप अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स कंसीडर कर रहे हो, ठीक है। जैसे आपने एक पोल लिया और उसकी पोल स्ट्रेंथ जो है उसको आपने रिप्रेजेंट कर दिया क्यू एम वन से, समझने की कोशिश करना, उसको आपने रिप्रेजेंट कर दिया क्यू एम वन से, ठीक है। और उसके पास जो दूसरा पोल है जिनके बीच में आप ये कूलॉम्स लॉ लगाना चाहते हो मैग्नेटिक फोर्स के लिए, ठीक है, और ये हो गया क्यू एम टू, इस वाले पोल की जो पोल स्ट्रेंथ है वो क्या है? क्यू एम टू है, ठीक है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? आर है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो लॉ क्या बोलता है? व्हाट इज लॉ सेज? द कूलॉम्स लॉ सेज दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैसे डिपेंड करेगा? कि पोल जो है मान लो लाइक पोल्स हुए तो लाइक पोल्स हुए तो रिपल करेंगे, और अनलाइक पोल्स हुए तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? लाइक पोल्स हुए तो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपल कर देंगे, अनलाइक हुए तो वो अट्रैक्ट कर देंगे। तो ये डिपेंड करेगा, यहाँ पर हम पूरी मैग्नेट ना ड्रॉ करके वो पोल्स ड्रॉ करेंगे जिनके बीच में आप
वो फोर्स देखना चाहते हैं वो अट्रैक्शन या रिपल्शन का, तो ये बात ध्यान रखना। तो हमने दो पोल्स ले लिए, उनकी पोल स्ट्रेंथ ले ली एक Qm1 एंड Qm2, तो Qm1 और Qm2 तो क्या हो गई, जो पोल्स है उनकी पोल स्ट्रेंथ हो गई, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, आर हो गई। तो लॉ हमारा ये कहता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर पोल पोल स्ट्रेंथ। ओके, सो द फोर्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ दोज पोल्स, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर पोल स्ट्रेंथ। तो Qm1 Qm2 कर देंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। ओके, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी 1/r2। तो ये आप बिल्कुल सिमिलरिटी देख रहे होंगे किस किस के बीच में, जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था, और जो आप यहाँ इस वहां Q1 Q2 था, और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r2 था, और यहाँ पर भी आप बिल्कुल वैसा ही देख रहे हैं, बस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड था वहां पर उसकी जगह यहाँ पर आपको पोल स्ट्रेंथ जो है उसका मैग्नीट्यूड लेना है। तो F प्रोपोर्शनल टू Qm1 Qm2 आ गया, और F प्रोपोर्शनल टू 1/r2 आ गया। इन दोनों इक्वेशंस को अपन कंबाइन कर देते हैं, तो F इज प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा Qm1 Qm2 प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है यहाँ पर वो होती है μ₀/4π। कितनी होती है μ₀/4π। सो ये कंप्लीट इक्वेशन हमारे पास गुलाम की आ जाएगी, गुलाम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ये आ जाएगी आपका इक्वेशन μ₀/4π। ठीक है, और ये हो जाएगा Qm1 Qm2/r2। सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन वी गेट फॉर द मैग्नेटिक फोर्स। ओके, ये इक्वेशन हमें मिली, और इस इक्वेशन को हम कर देंगे थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो जो कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स है, वहां से मैग्नेटिक फोर्स का जो हमें फॉर्मूला मिला है, वो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F=μ₀/4π Qm1 Qm2/r2। ठीक है, यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था वो के था, उस के की वैल्यू थी μ₀/4π। 4π तो आप जानते ही हैं, μ₀ के बारे में बताए थे, μ₀ क्या होता है, तो μ₀ = what is μ₀, क्या होता है μ₀, ये तो किया है ना अपने इससे फिलहाल ही चैप्टर में। सो 4π × 10⁻⁷ वैल्यू नहीं पूछ रहा, μ₀ को हम कहते हैं क्या, व्हाट इज μ₀, परमेबिलिटी। सॉरी नहीं नहीं सही है, बिल्कुल परमेबिलिटी। अच्छा ठीक है, इसको बोलते हैं परमेबिलिटी ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ऐसे में सिमिलरिटी बताता रहूंगा, तो आपने चैप्टर भी अच्छे से किया होगा, तो आप सिमिलरिटी से भी आपको ध्यान रखा। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड इट इज इक्वल टू φ × 10⁻¹। ठीक है, इट इज इक्वल टू 4π × 10⁻¹। ये यूनिट होती है इसकी, हेनरी डिवाइड बाय। So, ये μ₀ हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ यूनिट मैग्नेटिक पोल। नाउ वी हैव अ इक्वेशन बाय द कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, एंड इक्वेशन इज F=μ₀/4π। ओके, एंड Qm1 Qm2/r2। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास है, इसमें इफ वी पुट Qm1 = Qm2, और इसको पुट कर देते हैं अपन 1 यूनिट, Qm1 इसको कर देते हैं 1 यूनिट, और जो डिस्टेंस है r = ले लेते हैं अपन 1 मीटर। ठीक है, r = कितना हो गया, 1 मीटर हो गया। तो देखो यहाँ से f = कितना आ जाएगा आपके पास, हाउ मच यू कैन राइट फॉर f, f = इफ
will be equal to mu zero divided by 4 pi. होता है कि नहीं था? और हम ये जानते हैं कि भाई mu naught जो होता है वो equal होता है 4 pi into 10 square minus 7 के. ठीक है, we know that mu naught is equal to how much? 4 pi into 10 square minus 7. तो अगर आप इसको यहाँ put कर दो तो you will get f is equal to 10 square minus 7. ठीक है, so by this you can define the unit magnetic pole. इससे हम क्या define कर सकते हैं? Unit magnetic pole को define कर सकते हैं. तो unit magnetic pole को कैसे define करेंगे कि pole which when placed, ठीक है, which when placed in vacuum at a distance one meter apart from each other, distance of 1 meter from each other, then if they are identical, they repel each other by the magnitude of force 10 raised to the power minus 7 newton. ठीक है, ये आप बना, ये आप आराम से इसकी डेफिनेशन यहाँ से बना सकते हो. देखो f is equal to करा अपन ने mu zero divided by 4 pi qm1 divided by r square. उसमें qm1 qm2 को अपन ने 1 यूनिट मान लिया, डिस्टेंस इसके बीच की 1 मीटर मान ली, तो आप देखो फोर्स कितना आ रहा है यहाँ पर 10 raised to power minus 7 minus 7 न्यूटन आ रहा है. ठीक है, तो देखो सर हमेशा रिपेल ही क्यों करेंगे यूनिट या ना जरूरी नहीं है रिपेल करेंगे, जरूरी नहीं है रिपेल करेंगे, पर यहाँ आपने आइडेंटिकल लिख दिया ना यहाँ पर. इफ दे आर आइडेंटिकल नेचर वाइज ऑल्सो दे आर सेम. यूनिट वाइज तो है ही, मैग्नीट्यूड वाइज तो है ही, बट नेचर वाइज भी अगर सेम है तो रिपेल ही करेंगे. तो यहाँ पर लिखा हुआ है दे आर आइडेंटिकल, सो इफ दे आर आइडेंटिकल देन दे रिपल ईच अदर बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन. तो ऐसे जो पोल होंगे वो जो पोल है उनको हम क्या कहेंगे? यूनिट पोल. ओके, समझ में आया? ओके, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है जो आगे जाके डिटेल में अपन स्टडी करने वाले वो है मैग्नेटिक डायपोल एंड मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट. ओके, जस्ट लाइक इन इलेक्ट्रोस्टैटिक व्हेन द टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर सिचुएटेड एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर देन दे फॉर्म द मैग्नेटिक डायपोल. सिमिलरली हियर ऑल्सो देर इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डायपोल. जैसे वहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल था, यहाँ पर क्या है आपके मैग्नेटिक डायपोल है. मैग्नेटिक डायपोल एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें कि दो इक्वल टू इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स, ठीक है, टू इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डायपोल. अगर आपको मैग्नेटिक डायपोल की कोई एग्जाम्पल लिखना हो तो इमीजिएटली कौन सा एग्जाम्पल याद आता है आपको जो अभी थोड़ी बहुत देर पहले आपने देखा है? कोई एक ऐसा अरेंजमेंट देखा है जिसमें कि दो अपोजिट पोल्स हो, बहुत पास पास हो एक दूसरे के, बार मैग्नेट. तो सबसे इजी जो पहला है, फर्स्ट एग्जाम्पल जो आपके माइंड में आएगा वो आ जाएगा बार मैग्नेट. ठीक है, तो बार मैग्नेट अगर बनाया जाए, देखो इस तरह से मैं बार मैग्नेट बनाऊँ, ये बार मैग्नेट हमने बना लिया ना. बार मैग्नेट में ये एक नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये साउथ पोल हो जाएगा. अभी हमने बात करी है कि इनके बीच की डिस्टेंस जो होती है उसको क्या बोला जाता है, जस्ट अभी अपन ने टर्म पढ़ा था. देखो आप ये देखो क्या बोलेंगे उसको, मैग्नेटिक लेंथ, यानी कि एक फाइनाइट डिस्टेंस है दोनों पोल्स के बीच की. तो इसे हम कह सकते हैं कि एक मैग्नेटिक डायपोल का एग्जाम्पल है. और कुछ आपको याद आ रहा हो मैग्नेटिक डायपोल के एग्जाम्पल में? ठीक है, तो आप देखो अगर मैं एक कॉइल लेता हूँ, इस तरह से एक कॉइल ली हमने, एक कॉइल बना दी, आप कह सकते हैं कि एक लूप ले लिया हमने, ठीक है, और इस लूप में हमने यहाँ से करंट फ्लो कर दी.
लूप में क्या करा, वही करंट फ्लो सर। आप देखो ये करंट फ्लो हो रहा है, अगर मैं यहाँ से देखू तो करंट की डायरेक्शन कैसी लग रही है आपको, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? डायरेक्शन निकालोगे कैसी होगी, कौन सा लगाएंगे, राइट हैंड रूल लगा देंगे अपन, तो राइट हैंड रूल में आप थंब इनवर्ड आएगा तो क्रॉस आएगा, ठीक है। या आपको फेस रूल पता है, फेस रूल पता है, ये जो पोल होगा ये कौन सा पोल बनेगा, अगर ये जो डायरेक्शन है आपकी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो फेस रूल में लगाऊंगा ऐसे करके, तो कौन सा पोल बनेगा, साउथ पोल बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, बोलो ना। हाँ सर, पता है ना फेस रूल, ठीक है, तो ये तो साउथ पोल बनेगा। अच्छा इसको अगर इसको उस साइड से देखें, पीछे की साइड से देखें, तो इसके बैक साइड में कौन सा पोल बनेगा फिर, बोलो इसके बैक साइड में कौन सा, नॉर्थ पोल बनेगा। तो ये भी देखो दो पोल है जो कि आपस में बहुत कम डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो ये भी क्या हो गया, एक तरह का डायपोल फॉर्म कर दिया इसने, करा कि नहीं करा, बोलो यस और नो, बनाया ना डायपोल इसने भी, ठीक है। ऐसे मान लो कि एक अपन इस तरह से अरेंजमेंट लेते हैं, ध्यान से देखना आपने अरेंजमेंट शायद पड़ा हुआ होगा, ठीक है सर। तो इसके बीच में नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी फिर? डिस्टेंस नहीं है बट दो पोल तो एग्जिस्ट कर, मान लो टर्न से ज्यादा हो इसके अंदर, नंबर ऑफ टर्न ज्यादा हो, कोई स्मॉल डिस्टेंस भी हुई, कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो होगी, जो थिकनेस होगी वायर की वो होगा, पर दो पोल तो एग्जिस्ट कर रहे हैं ना उसमें। टोटल बात ये है कि भाई दो पोल जो है वो तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। आगे देखें, अगर अपन एक अरेंजमेंट में आपको बताऊं कि इस तरह से कॉइल्स बनाई हुई है हमने, और आपने शायद ये पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, और यहाँ से आप करंट फ्लो कर रहे हैं, यहाँ से करंट बाहर आ रहा है, ठीक है। अच्छा अभी यहाँ पर देखें तो ये करंट फ्लो हो रहा है इस तरह से, अगर किसी इस एक कॉइल की ही बात करूं, और इस साइड से मैं देख रहा हूँ इसको, किधर से देख रहा हूँ, इस साइड से, इस साइड से आप देखोगे तो कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है ये, ठीक है। इस साइड से आप देखोगे तो कैसा दिख रहा है, क्लॉकवाइज दिख रहा है, और क्लॉकवाइज है तो ये कौन सा पोल बन जाएगा, साउथ पोल, कौन सा पोल बन जाएगा, साउथ पोल, और ये साउथ पोल बनेगा, दूसरा वाला कौन सा बन जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, कौन सा अरेंजमेंट है, क्या बोलते हो इसको आप, क्या बना दिया ये आपने, सोलिनोइड पढ़ के आए थे ना आप? हाँ सर, हाँ सर, सॉरी, तो सोलिनोइड वाला ही तो अरेंजमेंट है। तो देखो यही सब है, ये सारे एग्जांपल है, एवरी बार मैग्नेट इज अ मैग्नेटिक डायपोल, और करंट कैरिंग लूप बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डायपोल, इवन एन एटम एक्ट्स एज अ मैग्नेटिक डायपोल ड्यू टू द सर्कुलेटरी मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अराउंड इट्स न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए आपको मैग्नेटिक डायपोल के, आपको टोटल जो मेन पॉइंट जो है वो ये ध्यान रखना है कि ये मैग्नेटिक डायपोल एक अरेंजमेंट होता है जिसमें कि इक्वल एंड अपोजिट जो मैग्नेटिक पोल्स हैं वो एक बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर एग्जिस्ट करते हैं, एक साथ रहते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डायपोल कहते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट अपन बार मैग्नेट का एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ ऑफ अ बार मैग्नेट, ठीक है, ऑफ अ बार मैग्नेट बार मैग्नेट गिव्स मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। तो हम बार मैग्नेट लेते हैं क्योंकि बार मैग्नेट इज एग्जांपल ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। देखो यहाँ पर जैसे एक बार मैग्नेट हम ड्रॉ करते हैं, बार मैग्नेट बनाई हमने, ठीक है। So this bar magnet is an example of a magnetic dipole. दो पोल कर लेते हैं इसके, ये इसका साउथ पोल हो गया, this is a south pole and this one is a north pole. Okay. और ये इसकी जो है magnetic axis बन जाएगी जो कि दोनों पोल से पास हो रही, ये magnetic axis हो गई, ठीक है। और जो distance इनके बीच की, जो magnetic length है, magnetic length हम इसमें लेते हैं 2L. क्या लेते हैं magnetic length, ध्यान रखना, जैसे कि आपने इलेक्ट्रिक डायपोल में भी किया था, वहां भी जो लेंथ थी वो 2L ली थी, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो लेंथ लेंगे वो मैग्नेटिक लेंथ लेंगे, वो कितनी लेनी है आपको, 2L लेनी है, ठीक है।
अच्छा पोल स्ट्रेंथ भी लेनी होगी आपको यहाँ पर, तो पोल स्ट्रेंथ जो है ये क्यू एम ले लेते हैं और ये क्यू एम ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं कि भाई बार मैग्नेट के लिए, जो कि एक मैग्नेटिक डायपोल का एग्जाम्पल है, उसके लिए आप मैग्नेटिक डायपोल का फॉर्मूला क्या होगा। तो मैग्नेटिक डायपोल मैग्नीट्यूड के टर्म में बात करें अपन, तो मैग्नेटिक डायपोल होगा एम इजिकल टू कोई भी एक आप ले लेंगे पोल स्ट्रेंथ, मैग्नीट्यूड ऑफ पोल स्ट्रेंथ ले लेंगे और इनटू उनके बीच की जो मैग्नेटिक लेंथ है यानी कि 2L। तो यहाँ से आपके पास फॉर्मूला जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2QmL, ठीक है। ये आ गया मैग्नीट्यूड की फॉर्म में आपके पास फॉर्मूला आ गया, ठीक है। मैग्नीट्यूड की फॉर्म में ये फॉर्मूला बना आपके पास इसका मैग्नेटिक डायपोल का। अच्छा इसको ही अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, क्योंकि ये क्या है वेक्टर क्वांटिटी इन वेक्टर फॉर्म, तो मैग्नेटिक फॉर्म वेक्टर फॉर्म में जो मैग्नेटिक डायपोल है उसका फॉर्मूला होता है एम वेक्टर इज इक्वल टू क्यू एम क्रॉस 2L वेक्टर, ठीक है। ये हो गया वेक्टर फॉर्म। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगी, वेक्टर क्वांटिटी है ना तो इसके डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन क्या होती है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ये भी ध्यान रखना, जो मैग्नेटिक डायपोल होता है मैग्नेटिक डायपोल की डायरेक्शन जो लेते हैं हम वो कैसे लेते हैं, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ, ठीक है। ओके सो नाउ टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट एट एक्सियल पॉइंट। यू कैन से द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट एट एक्सियल पॉइंट, और अपन ये भी कह सकते हैं कि द मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल, ठीक है। बिकॉज ये देखो दो अपोजिट नेचर के जो पोल्स है, देखो एक नॉर्थ है साउथ है, और अभी हमने डेफिनेशन यही पढ़ी है कि मैग्नेटिक डायपोल होता क्या है कि अपोजिट नेचर के जो है पोल्स होते हैं फाइनाइट डिस्टेंस पर होते हैं एक दूसरे पे, तो वो क्या बना देते हैं मैग्नेटिक डायपोल बना देते हैं, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक डायपोल ही है और उसके एक्सियल पोजिशन पर कोई अपन ने पॉइंट ले लिया पी पॉइंट। अच्छा ये जो एक्सिस दिख रही है आपको जो कि पोल्स को मिला रही है ये क्या कहलाती है, मैग्नेटिक एक्सिस कहलाती है। तो मैग्नेटिक एक्सिस पर ही है ये पी पॉइंट, वो जो है वो सेंटर ऑफ बार मैग्नेट है, और इस पे जो ये लाइन वर्टिकल दिख रही है ये क्या है इसका मैग्नेटिक इक्वेटर है। तो इस ओ पॉइंट से आर डिस्टेंस पर अपन ने पी पॉइंट ले लिया, जहां पर कि हमें फाइंड आउट करना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी ड्यू टू दिस मैग्नेटिक डायपोल। ओके नाउ टू चेक लाइक इन इलेक्ट्रोस्टैटिक वी पुट अ टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक में अपन टेस्ट चार्ज रख देते थे, यहाँ पर अपन क्या रखेंगे टेस्ट नॉर्थ पोल। ये बात ध्यान रखोगे ना, कल बताई थी मैंने आपको, ठीक है। वहां पर अपन टेस्ट चार्ज रखते थे जो कि पॉजिटिव नेचर का होता था, यहाँ पर अपन क्या रखेंगे टेस्ट नॉर्थ पोल रखेंगे। सर इसका आंसर 2kp / r क्यूब की तरह आएगा क्या? हाँ देखते हैं अभी तो क्या डेफिनेशन क्या फॉर्मूला बनता है, डिराइव कराएंगे अपन, देखते हैं क्या फॉर्मूला निकलेगा इससे, ठीक है। अच्छा देखो ये r डिस्टेंस पर है, अच्छा जो मैग्नेटिक लेंथ है साउथ से लेकर नॉर्थ तक की जो मैग्नेटिक लेंथ है वो कितनी ली थी हमने अभी थोड़ी देर पहले जब डेरिवेशन करी, बोलो जल्दी से ये फॉर्मूला, ये देखो कितनी ली थी यहाँ पे, कितनी ले रखी है 2L ले रखी है। तो आई कैन से दैट दिस डिस्टेंस इज L, LL हाँ LL हो जाएगी, दिस इज दिस वन इज L एंड दिस वन इज L। ओके नाउ लेट्स फाइंड आउट द If I put a test north pole at the point P, अगर मैं P point पर एक test north pole रख दूँ, तो ये जो north pole है, अच्छा इनकी pole strength लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो pole strength दोनों की, इसकी pole strength अपन ले लेते हैं QM, और यहाँ भी जो pole strength है वो कैसे दे रखे हैं हमने QM दे रखे हैं। तो ये जो north pole है ये इस north pole पे क्या करेगा, रिपल करेगा, तो रिपल करेगा तो नॉर्थ पोल की वजह से जो फोर्स होगा उसको अपन FN से डिनोट कर देंगे, ये FN से डिनोट कर दिया, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है क्लियर है बात। ऐसे ये जो साउथ पोल है, साउथ पोल इसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो ये अट्रैक्ट करा इसने इस तरह, और ये एफ एस हो गया, ठीक है। नाउ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड दीज आर द टू फोर्सेस एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, सो टू फाइंड आउट द नेट फोर्स वी सब्ट्रैक्ट द, टू फाइंड आउट द नेट फोर्स क्या कर रहे हैं, एक में से दूसरे को अपन क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो अभी ये जो अरेंजमेंट मैंने आपके स्क्रीन पे आपको जो अरेंजमेंट बना हुआ है, एफ एस और एफ एन क्या है, FN, देखो ये नॉर्थ पोल है ना, नॉर्थ पोल इस टेस्ट नॉर्थ पोल को क्या करेगा, रिपल करेगा ना, लाइक पोल सब रिपल करते हैं ना, हाँ सर वो तो FN हो गया, FS क्या है, FN हो गया, FS ये S वाला इसको अट्रैक्ट करेगा नॉर्थ पोल को,
जो टेस्ट नॉर्थ पोल में नहीं आ रखा है, अच्छा, मैं हाँ आपको सर, समझ आने के लिए एन नॉट बना देता हूँ, ठीक है। एन नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टेस्ट नॉर्थ पोल। देखो जैसे टेस्ट चार्ज होता था, टेस्ट चार्ज क्या होता था? पॉजिटिव इन नेचर, यूनिट इन मैग्नीट्यूड। समझ रहे हो बात को? टेस्ट चार्ज जो होता था वो यूनिट इन मैग्नीट्यूड होता था, है ना, और पॉजिटिव नेचर का होता था। यहाँ पर हमको क्या लेना है? टेस्ट नॉर्थ पोल लेना है, और इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो क्या है? यूनिटी है। पोल स्ट्रेंथ कितनी है इसकी? यूनिटी है। जैसे वहां पर उस चार्ज का मैग्नीट्यूड का लेते थे आप, यूनिटी लेते थे। बात आ गई नहीं आ गई समझ में? ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके, अब ये पूरा डायग्राम क्लियर है आपको, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम लगा देते हैं कूलॉम्स लॉ फॉर मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। हम क्या करते हैं यहाँ पर लगाते हैं कूलॉम्स लॉ फॉर मैग्नेटिक फोर्स। सो आई एम राइटिंग हियर बाय कूलॉम्स लॉ, बाय कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। सो आई कैन राइट एफ एन लिखते हैं हम, तो एफ एन कितना आ जाएगा बोलो? यू जीरो डिवाइड बाय फोर पाई, यू जीरो डिवाइड बाय फोर पाई आ जाएगा, ठीक है। देन प्रोडक्ट ऑफ होल स्ट्रेंथ क्यू एम आएगा, इंटू वन आ जाएगा, डिवाइड बाय इनके बीच की डिस्टेंस। तो नॉर्थ और इसके बीच की डिस्टेंस, यानी नॉर्थ यहां से लेके ये जो डिस्टेंस आएगी, हाँ, तो कंप्लीट आर है, पूरी यहां से यहां तक आर है, तो ये जो डिस्टेंस आएगी आपका कितना जाएगी? आर माइनस एल आ जाएगी, ये पी तक की डिस्टेंस, ठीक है। सो आई कैन राइट हियर बाय द कूलॉम्स लॉ आर माइनस एल एंड स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। डायरेक्शन क्या होगी इसकी? डायरेक्शन कैसी है? देखो आप, डायरेक्शन कैसी है? दूर जा रहा है इससे, डायरेक्शन कैसे लिखेंगे? हाँ, अपन तो अलोंग एनपी लिख सकते हैं, पॉजिटिव एक्स वेक्टर नहीं, हाँ इसे लिखते हैं अपन, जो स्टैंडर्ड इन्होंने दिया हुआ है, अलोंग एन पी वेक्टर, यानी एन से पी की तरफ, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, है ना। ऐसे ही अपन करें यहाँ पर एफ एस लिखते हैं, एफ एस समझ में तो आ रहा है ना, एफ एन और एफ एस क्या है, ठीक है। हाँ सर, एक रिपेल कर रहा है, एक अट्रैक्ट कर रहा है, हाँ, पर वो रिपेल वाला ज्यादा है। फोर्स, फोर्स जो है क्या चीज, ये फोर्स ऑन दिस टेस्ट पोल, ध्यान से, एफ एन क्या है? टेस्ट फोर्स ऑन दिस टेस्ट पोल, जो टेस्ट पोल रखा हुआ, टेस्ट नॉर्थ पोल रखा हुआ है, और ये जो नॉर्थ पोल है इनके बीच का फोर्स है, जो एफ एन से बताया, या कह सकते हैं ये इस पे लगा रहा है एफ एन फोर्स, नॉर्थ पोल जो फोर्स लगा रहा है टेस्ट नॉर्थ पोल पर वो है, और एफ एस क्या है? साउथ पोल जो है वो जो लगा रहा है टेस्ट नॉर्थ पोल पर फोर्स, उसको अपन ने एफ एस आर प्लस एल, ठीक है। तो ये हाँ डिस्टेंस देख लें पहले अपन, इसकी कितनी आएगी, तो ये एल हो गया और ये आर, सो कंप्लीट डिस्टेंस जो जाएगी क्या जाएगी? आर प्लस एल, ये हो जाएगा आपके पास आर प्लस एल, ठीक है। तो यू जीरो बाय फोर पाई पोल स्ट्रेंथ तो सेम ही है, तो क्यू एम ही आ जाएगा, टेस्ट नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ यूनिटी है, यहाँ पर आर प्लस एल का स्क्वायर आ जाएगा, ये सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी, और ये जो डायरेक्शन आएगी क्या आएगी? अलोंग, अलोंग अब आएगी पी से एस की तरफ, है कि नहीं? अट्रैक्टिव नेचर का है ना भाई ये, तो अट्रैक्ट करेगा इसको, तो अब पी से एस की तरफ आएगी, पी एस वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे भाई नेट फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, तो नेट फोर्स एट द पॉइंट पी, यानी कि जो एक्चुअल पोजीशन है पी, वहां पर नेट फोर्स कितना होगा? तो नेट फोर्स अपन ये लिख देते हैं, पी से डिनोट कर देते हैं, तो एफ पी वेक्टर कर देते हैं, और ये कितना आ जाएगा? एफ एन माइनस एफ एस, ठीक है, एफ एन माइनस एफ एस हो जाएगा। आप देखो एफ एन की वैल्यू रख दो, एफ एन की वैल्यू हो जाएगी म्यू जीरो डिवाइड बाय फोर पाई, और ये क्यू एम, ठीक है, अंदर आपके पास क्या आ जाएगा? वन अपॉन दिस वन इज आर माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है, प्लस वन अपॉन आर माइनस आएगा, ठीक है ना, माइनस हो रहा है ना अपोजिट डायरेक्शन में, हाँ सर, तो माइनस का साइन आएगा यहाँ पर, तो माइनस का साइन लगा देते हैं, तो माइनस एंड दिस वन इज आर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं, अगर पॉजिटिव में वैल्यू आती है तो जो नेट डायरेक्शन होगी
वो जो नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी वो दूर की तरफ ही होगी, क्योंकि नॉर्थ पोल को आप यहाँ पर बड़ा लेके चल रहे हो, लार्जर वैल्यू उसमें से उस एफ एस को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, देखते हैं क्या आता है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो एफ पी मैंने एफ एन माइनस एफ एस जो है ना, बोलो। हेलो हाँ सर, हाँ अपन ने बोलो जो एफ सर। एन माइनस एफ एस है वो अपन ने डायरेक्ट लिख दिया ना, नहीं तो एफ एन हाँ प्लस एफ एस होना चाहिए था ना, एफ एस की डायरेक्शन नेगेटिव है वो। हाँ देखो एक्चुअली आपको हाँ क्या करना मतलब है, नेट फोर्स पता करना है। अगर ये पॉजिटिव आ गया तो अपन ने जो लिया है वो सही लिया है, मतलब नॉर्थ वाला ज्यादा पावर, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो डायरेक्शन एन से पी की तरफ होगी, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन जिसको आप कह रहे हो, है ना। और अगर नेगेटिव में आ जाता है तो उसकी अपोजिट होगी। वैसे तो सीधे पता लग जाएगा, इसमें देख के पता लग रहा है, क्योंकि सीधे पता ही लग रहा है, डिस्टेंस तो फिर नीचे के वाला कम है इनवर्सली ना सर। प्रोपोर्शनल है ना। हाँ डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जहाँ डिस्टेंस कम होगी वहां पर वो फोर्स ज्यादा ही होगा ऑब्वियसली, तो ये पॉजिटिव ही आ रही है वैल्यू। ठीक है चलो इसको देख लेते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है। एलसीएम ले लें इसको, आर माइनस एल जाएगा आर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है, और ये जाएगा आर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, ऊपर आपके पास आ जाएगा आर प्लस एल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं क्या बनता है। सो म्यू जीरो डिवाइड बाय 4 पाई, ठीक है, और ये क्यू एम आ जाएगा हमारे पास। इसको सॉल्व करें ओपन करें इसको, ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ आर है ना, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस जाएगा 2 आर, और ये डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर, इट विल बिकम आर माइनस एल स्क्वायर आर प्लस एल स्क्वायर, ये कर लेते हैं। देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर हो रहा है, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, 0 डिवाइड बाय 4 पाई एंड इट इज क्यू एम, ओके, जाएगा अपना 4 आर एल एंड डिवाइड बाय आर माइनस एल स्क्वायर एंड आर प्लस एल स्क्वायर, ये टर्म हमारे पास बनेगी। ठीक है ना, देखो अगर इफ आई राइट दैट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये देखो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है ये, तो ए माइनस बी ए प्लस बी होता है, तो ये आर माइनस एल और आर प्लस एल हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इस होल स्क्वायर है तो इसको और आगे अगर ओपन करें तो आर माइनस एल स्क्वायर एंड आर प्लस एल स्क्वायर, मीन्स क्या है, आर माइनस एल का स्क्वायर आर प्लस एल का स्क्वायर जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, तो आई कैन राइट इट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास अल्टीमेटली जो लास्ट में फॉर्मूला निकल के आएगा, द फोर्स एट द पॉइंट पी, यानी दो जो मैग्नेटिक डायपोल है उनके एक्चुअल पोजिशन पर अगर कोई पॉइंट है पी और वहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास वो होगा कुछ म्यू जीरो डिवाइड बाय 4 पाई, ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास 2m, ठीक है 2m आ गया, और ये हो गया आपके पास 4 आर एल, ठीक है, एंड डिवाइड बाय हियर आई कैन राइट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है इसको थोड़ा और करते हैं इस फॉर्मूले को, है ना, और आगे सॉल्व करते हैं अपन, फॉर्मूला बनाते हैं डाइपोल मोमेंट की फॉर्म, ठीक है, डायपोल मोमेंट की फॉर्म में फॉर्मूला क्या आएगा, तो हमारे पास है पी पॉइंट एफ पी एक्चुअल पोजीशन पर, तो ये है आपके पास म्यू जीरो डिवाइड बाय 4 पाई, ठीक है, अगर मैं ये लिख दूं कि भाई क्यू एम इंटू 2L, इसमें से हम ये निकाल रहे हैं क्यू एम इंटू 2L करते हैं, 4L है ना आपके पास, तो 2L हमने ले लिया इसमें से, तो 2R बचेगा, 2R बचेगा इसके साथ, तो 2R, ये 2R आपका इधर आ गया, और डिवाइड कर देंगे हम जो हमारे पास था आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, देख लो एक बार आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है अब ये क्यू एम सर एक इंटू बार ये 12, बता दो, ये 12। ये ना देखो ये 4L है ना, ये 4L है, देखो ये अच्छा लिखा, हाँ देखो आप इस 4L में से मैंने 2L निकाल लिया, तो 2 बचेगा,
तो 2R हो जाएगा और वो 2L को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 2m into 2L आ गया। अब हम जानते हैं कि 2m into 2L क्या होता है, what is 2m into 2L? वो तो डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट m, ठीक है। तो ये हमारे पास हम इसको कर सकते हैं 2 आ जाएगा, ये m आ जाएगा, ये r आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, एंड डिवाइड बाय आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो आपका फॉर्मूला निकल के आएगा वो होगा म्यू जीरो डिवाइड बाय 4/2mr आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये पी पॉइंट पर आपके जो एक्चुअल पोजीशन थी उस पर आ जाएगा फॉर्मूला इसका फोर्स का, ठीक है। ये इक्वेशन को अपन इक्वेशन नंबर अभी तक 1-2 दिया था, तो इसको थर्ड कर देते हैं, ये थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। अब ये देखें वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रही है, तो डायरेक्शन क्या होगी, जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन हम बता देते हैं, डायरेक्शन, डायरेक्शन इसमें होगी एन पी वेक्टर, ठीक है, एन से पी की तरफ होगी एन पी वेक्टर। इसमें एक केस है कि इफ अगर ये मान लो ये जो पॉइंट है ये पोल के पास में हो और पी को अपन इसके और पास लेके आ जाए, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं देखो इसमें, या एक केस में आपको बताता हूँ कि इसमें देखो अगर ये करें कि जो लेंथ है, लेंथ एज कंपेरिजन टू आर जो डिस्टेंस थी उसके कंपेरिजन में एल क्या है, बहुत शॉर्ट है, ठीक है, छोटी है वैल्यू ये। अगर हम ये कंडीशन लगा दें यहाँ पर कि इफ एल इज वेरी 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 स्मॉलर देन आर, ठीक है, देन हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, देन नेगलेक्ट, देन नेगलेक्ट एल, एल को हम क्या कर सकते हैं फिर नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो एल को अगर आप नेगलेक्ट करोगे तो जो फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास फोर्स का वो आ जाएगा म्यू जीरो डिवाइड बाय 4π, ओके, ये हो जाएगा 2mr एंड डिवाइड बाय ये हो जाएगा आर रेज टू पावर 4, ये क्यूब हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो अल्टीमेटली एट लास्ट एक्चुअल पोजिशन पर फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ जाएगा फाइनली म्यू जीरो डिवाइड बाय 4π, ठीक है, और ये हो जाएगा 2m डिवाइड बाय r क्यूब, ठीक है, और डायरेक्शन तो आपको हमने बताई दी है। फाइनल फॉर्मूला अपने पास आ गया ये एक्शन पोजीशन पे मैग्नेटिक फोर्स का, और जो डायरेक्शन है डायरेक्शन आपकी होगी n p वेक्टर, ओके। सो दिस इज अ फाइनल फॉर्मूला फॉर एक्शन पोजीशन, ठीक है। तो ये आपने निकाला है जो नेट फोर्स एक्ट कर रहा है पॉइंट पी पे, किसकी वजह से, मैग्नेटिक डायपोल की वजह से। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स निकाला है आपने पॉइंट पी पर, यही क्या डिनोट करेगा, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट, एट द पॉइंट पी और एक्सियल पोजिशन ऑफ बार मैग्नेट। तो जो नेट फोर्स आपने फाइंड आउट किया है पॉइंट पी पे वो रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पर बी पी क्या आ जाएगा आपके पास म्यू जीरो डिवाइड बाय 4π 2m डिवाइड बाय आर क्यू। तो ये तो आपने मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख दिया है ना, इसी फॉर्मूले को अपन अगर लिखें वैक्टर फॉर्म में तो वैक्टर फॉर्म में आ जाएगा बी पी वैक्टर इज इक्वल टू म्यू जीरो डिवाइड बाय 4π 2m वेक्टर डिवाइड बाय आर क्यू, ओके। सो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट अ एक्सियल पॉइंट ऑफ अ मैग्नेटिक डायपोल और ऑफ अ बार मैग्नेट। फाइनली आपके आगे फॉर्मूले आ गए, नेक्स्ट क्लास में अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है, अगर उससे जो है इक्वेटर वाली पोजिशन पर हो, ये तो एक्सियल पोजिशन, अगर इक्वेटर की पोजिशन पर रखा हो वहाँ कोई पॉइंट हो उस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है तो कैसे सर, उसका आंसर म्यू नॉट अपॉन 4π m अपॉन r क्यूब।